टुडेज टॉपिक इज ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, रिटेंडिव ऑन डिले टाइमर। अभी हमने एक प्रोग्राम लिया है, उससे हम चेक करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टी ऑन, टी ऑफ एंड रिटेंडिव टाइमर। मैं ये प्रोग्राम भी डाउनलोड कर रहा हूँ। ऐसे मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि कोई भी टाइमर ऑन नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ हमने स्टार्ट एक बटन्स लिया है, तो उससे हम ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ऑन डिले टाइमर का इनेबल बिट ऑन हो गया है और डन बिट ज़ीरो है। इनेबल बिट ऑन है, डन बिट ज़ीरो है, टी टी बिट उसका ऑन है, यानी टाइमर ऑन है। सेकेंडली ऑफ डिले टाइमर का आप देख सकते हो इनेबल एंड डन बिट बोथ आर ऑन है, लेकिन टी टी बिट बंद है, अभी ये टाइमर ऑफ है। और थर्ड हम देख सकते हैं कि ये जो रिटर्न टू टाइमर जो बिट है वो क्या करे, सेम एज ऑन डिले टाइमर जैसे वर्क कर रहा है वैसे वो रन वो कर रहा है। अब देख लीजिए, अभी ऑन डिले टाइमर का जो है टाइमर कंप्लीट हो गया, तो डन बिट इनेबल हो गया, इनेबल बिट एंड डन बिट ऑन है, टी टी बिट इसका बंद हो गया। अब मैं जैसे इसको बंद करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 120 सेकंड मैंने दिया है रिटर्न टू टाइमर के लिए। अब मैं इसको बंद करता हूँ, अब जैसे बंद करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्यूमुलेटर ज़ीरो हो गया, तीनों भी ज़ीरो हो गए, टी ऑन टाइमर अभी बंद हो गया। लेकिन आप उसी समय देख सकते हो कि टी ऑफ टाइमर जो है वो रन करना चालू हो गया, उसका डन बिट ऑन है। अभी आप देख सकते हो एनेबल बिट बंद है, लेकिन टी टी बिट एंड डन बिट ऑन है। जैसे ये टाइमिंग कंप्लीट होता है तो ये डन बिट इसका बंद हो जाता है एंड टाइमर का बिट भी बंद हो जाता है। और आप देख सकते हो नीचे हमने ये स्टार्ट 49 सेकंड के ऊपर ये स्टार्ट हमने बंद किया था, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 49 यहाँ पे जनरेट हुआ है। यहाँ पे टाइमर टाइमिंग बिट वो एनेबल है, वो कंटिन्यूसली एनेबल ही रह गया है, एनेबल बिट जो है वो बंद हो गया है और डन बिट जो है वो भी बंद है क्योंकि वो टाइमिंग कंप्लीट नहीं हुआ। अब जैसे हम फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो देख सकते हो कि ये जो है फिर से वो 49 के ऊपर ही आगे चल हो गया। ये देखिए एनेबल बिट एंड टीटी बिट इसका ऑन हो गया। अभी वो जैसे फिर से इसको ऑफ करता हूँ तो देख लीजिए 58 पे ऑन हो गया। रिटेंटिव टाइमर मतलब जो प्रीवियस वैल्यूज है वहाँ से वो स्टार्ट करता है। फिर से मैं इसको ऑन करता हूँ, देख सकते हो कि ये ऑन हो गया, 61, 63, 64 ये काउंट करना चालू हो गया। 120 सेकंड होने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वर्क करेगा सेम एज ऑन टाइमर के हिसाब से। अभी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे डन बिट भी जो हमने ऑफ डिले टाइमर का है वो एनेबल बिट एंड बिट ये ऑन हो गया, और ये टी ऑन टाइमर का एनेबल बिट ऑन है और टाइमर रनिंग है। अभी टी ऑन टाइमर का कंप्लीट हो गया, डन बिट यहाँ पे आ गया है। टी ऑफ टाइमर में अभी देख सकते हो कि टी ऑफ में टी टी बिट, एनेबल बिट एंड डन बिट तीनों भी ऑन है। अभी हम नीचे चले जाते हैं, अब देखते हैं कि 120 सेकंड होने के बाद क्या होता है। यहाँ पे देख लीजिए कि एनेबल बिट ऑन ही है, डन बिट हमारा ऑन हो गया, तो कंटिन्यूसली डन बिट ऑन रहता है। अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ, फिर भी यहाँ पे डन बिट ये ज़ीरो नहीं हुआ है। फिर से इसको मैं ऑन करता हूँ, फिर भी आप देख लीजिए ये डन बिट ऑन ही है, एनेबल बिट ऑन हो गया लेकिन डन बिट ऑन है, टी टी बिट ऑन नहीं क्योंकि ये टाइमर कंप्लीट हुआ है। अभी ये चीज़ को हमें अगर रिसेट करना है तो यहाँ पे और एक इंस्ट्रक्शन है वो हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। अभी अभी देख लीजिए, मैं इसको ऑफ मोड में चला जाता हूँ। यहाँ पे टाइमर के लास्ट में है एक रिसेट इंस्ट्रक्शन है, तो हम ये रिसेट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और एक रंग लेता हूँ और एक बिट लेता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ रिसेट, ये बिट लेता हूँ मैं यहाँ पे। अरे
रिसेट यहाँ पे ले लिया है, और इसके आगे हम लेते हैं अभी ये रिसेट। हमें रिसेट क्या करना है, ये जो टाइमर हमने यूज़ किया है उसको हमें रिसेट करना है। तो यहाँ पे लेना है टाइमर T4:2. अगर हमें सिर्फ एक्यूमुलेटर ज़ीरो करना है तो एक्यूमुलेटर हम ले सकते हैं, या टाइमर को हमें रिसेट करना है तो टाइमर रिसेट करते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एको रिसेट करता हूँ, ठीक है। ऐसे एक्यूमुलेटर को रिसेट करके देखते हैं अभी क्या वर्क होता है। अभी मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। एड्रेसिंग एलिमेंट एरर, तो अभी यहाँ पे हम रिसेट एक्यूमुलेटर नहीं ले सकते, हमें टाइमर ही लेना पड़ेगा। इसको वेरीफाई करता हूँ, ये नो एरर फाउंड आ गया। तो हमें यहाँ पे टाइमर ही रिसेट करना पड़ता है, एक्यूमुलेटर रिसेट या बिट जो है रिसेट करके नहीं चलेगा यहाँ पे। अभी मैं स्टार्ट करके देखता हूँ, और टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ कि क्या होता है। तो अभी आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो टाइमर की वैल्यूज़ है ये कंप्लीट हो गई है, डन बिट ऑन हो गया है, टीटी बिट एंड डन बिट ये ऑन हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये ऑफ करने के बाद क्या होता है, ये ऑफ नहीं होता है, ये ज़ीरो नहीं होता है, और फिर से मैं ऑन करता हूँ तो ये ऑन रहता है। अभी मैं सपोज इसको अगर हमने ये ऑन टाइम में इसको अगर हमने रिसेट कर दिया तो क्या होगा, देख लीजिए, ये ब्लिंक करना चालू हो गया क्योंकि रिसेट बटन हमने ऑन करके रखा है। तो ये देख लीजिए, फिर से टाइमर रिटर्न टू टाइमर फिर से ऑन हो गया है। ये है, दैट्स इट, ये इस टॉपिक के ऊपर।